सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लैपटॉप इन दी रेंज ऑफ 60-70,000 रुपीज। नाउ दोस्तों, काम चलाने के लिए अगर आप 35,000-40,000 रुपए तक का बेसिक i3 वाला लैपटॉप भी खरीदते हैं तो आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट टू अश्योर ए बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिकमेंडेशन रहेगी, बजट कम है तो बजट को थोड़ा बूस्ट कीजिए और 60-70,000 रुपीज के बीच में आपका बजट आ जाता है तो दैट विल बी बेस्ट। नाउ मैं खुद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रह चुका हूं दोस्तों, 17 में मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 19 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, तो मुझे पता है कि कॉलेज में जो है क्या चीजें चल रही हैं, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को यहां पे लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि किस तरीके से जो है दोस्तों आप दुकान पे जाते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत गुमराह करने की कोशिश की जाए। नाउ जहां तक बात आती है दोस्तों डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की, तो मुझे अभी भी याद है दोस्तों, ज्यादातर अगर आप दुकान पे जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को वो रिकमेंड करेंगे कि जो है आप लोग गेमिंग लैपटॉप लीजिए, और अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो दे विल डेफिनेटली सजेस्ट यू सम सॉर्ट ऑफ हायर एंड लैपटॉप। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि आईटी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तक कंपनीज बेसिक i3 वाला लैपटॉप यहां पे पकड़ा देती है। अब तो एज ऑफ नाउ स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है, तो आपको जो है उतनी ज्यादा हाई लेवल लैपटॉप की जो है यहां पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नाउ जहां तक बात करूं दोस्तों, मैं जो आप लोगों को लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूं, आपकी जो है इसमें पूरी की पूरी कॉलेज गोइंग नीड्स पूरी हो जाएंगी, जैसे कि प्रोजेक्ट हुआ, ब्राउजिंग हो गया, ये सब हो जाएगा, डिजाइनिंग का काम आपका यहां पे हो जाएगा, और जहां तक बात रही प्रोग्रामिंग की, वो सब भी जो है आप लोगों को। नाउ ये जो लैपटॉप है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट है। नाउ 12th जनरेशन के जो लैपटॉप्स आने वाले हैं वो आप लोगों को लगभग मार्च महीने में एक दो पीस देखने को मिल जाएंगे न्यूली लॉन्च्ड, एंड दैट टू वो जो होंगे दोस्तों, सबसे पहले जो लैपटॉप नया लैपटॉप कंपनी लॉन्च करती है वो महंगे वाले लैपटॉप होते हैं, तो डेफिनेटली आप तो उतने महंगे वाले खरीदने वाले नहीं है। और हेल्थी चॉइस इंडिया में आने के लिए लगभग आप लोगों को अप्रैल से मई महीने का टाइम लग जाएगा, तो यहां पे आप आराम से मान के चलिए दोस्तों 5 महीने जो है आप लोगों के पास बचे हुए हैं अपकमिंग 12th जनरेशन लैपटॉप या फिर 6000 सीरीज AMD के जो भी लैपटॉप्स आने वाले हैं उनके इसमें। नाउ यहां पे लेने का एक और पर्पस बन जाता है, वो ये है कि इन लैपटॉप्स पे अब आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, 8,000-9,000 रुपए तक का जो डिस्काउंट है आप लोगों को कुछ लैपटॉप के इसमें देखने को मिल जाएगा, तो बेस्ट टाइम है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को यहाँ पे जो है मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो भी लैपटॉप आप लोगों को अभी रिकमेंड करने वाला हूँ, उस समय आप लोगों को कुछ चीजें मिनिमम गारंटी देखने को मिलेगी और एक बटर फ्लो स्मूथ एक्सपीरियंस, जैसे कि 16GB रैम का होना, कुछ केस में एक दो केस में आप लोगों को 8GB रैम वाला भी देखने को मिल जाएगा, फिर 512GB का मिनिमम SSD स्टोरेज जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ज्यादा बात करूं मैं दोस्तों डिस्प्ले की, वो आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम फुल एचडी देखने को मिल जाएगी, कुछ केस में क्वाड एचडी डिस्प्ले है, मिनिमम 300 nits की ब्राइटनेस है, और ऑलमोस्ट हर पैनल में आप लोगों को 100% sRGB कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही में जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम i5 सीरीज के इंटरवल में जाएंगे, G सीरीज है, और एक सीरीज में आपको H वाला भी देखने को मिलेगा। साथ ही में आप लोगों को AMD के 5000 U सीरीज वाला प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप नॉच सेंसेशन क्वालिटी देखने को मिलेगी, 13 इंच से लेकर 14 इंच तक का जो है आप लोगों को ऑप्टिमम साइज यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ज्यादा वेट की बात है लगभग आप लोगों को यहाँ पे 1.2 kg का जो है वेट देखने को मिलेगा। बाय द वे दोस्तों, इन सारी लैपटॉप्स के लिंक मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पे जाके आप इन लैपटॉप्स को चेकआउट कर सकते हैं और चाहे तो खरीद भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों डेल इंस्पिरॉन 14 लैपटॉप की, तो यहाँ पे दिस लैपटॉप्स कम विद 16GB ऑफ रॉम, डुअल चैनल रैम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये वाला जो लैपटॉप है, इन सारे लैपटॉप जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं उन सब में से यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा पावरफुल निकल कर आता है। 11th जनरेशन का i5 वाला H सीरीज वाला आप लोगों को यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वंस अगेन जो सारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मैंने बताए वो यहाँ पे इस पे अप्लाई होते हैं। फिर दूसरा लैपटॉप यहाँ पे दोस्तों निकल कर आता है HP की तरफ से, HP Pavilion Aero। तो यहाँ पे ये वाला जो लैपटॉप है दोस्तों, जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 75,000-76,000 रुपीज थी, लेकिन अब इसकी प्राइसिंग जो है दोस्तों बिलो 70,000 रुपीज जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। फैंटास्टिक क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, फैंटास्टिक स्क्रीन है, फैंटास्टिक टाइपिंग एक्सपीरियंस। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को AMD Ryzen 5 5600U देखने को मिल जाता है, और रैम आप लोगों को 16GB यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तीसरा लैपटॉप जो है दोस्तों, अमंग ऑल दी लैपटॉप्स मेरा यहाँ पे फेवरेट निकल कर आता है, Asus VivoBook K15 यहाँ पे निकल कर आती है, OLED वाला मॉडल है। याद रखिए दोस्तों, इससे पहले IPS वाले मॉडल भी लॉन्च हुए थे, ये वाले जो मॉडल है OLED वाले मॉडल है, सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, 16GB रैम है, i5 का G सीरीज वाला प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, 512GB की SSD है, लेकिन जो स्क्रीन आपको देखने को मिलने वाली है दैट इज अबाउ ऑल एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका वेब ब्राउजिंग हो या फिर दोस्तों यहाँ पे आप जो है मींस कोई भी मीडिया कंजप्शन कर रहे हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, क्वालिटी ऑफ कलर्स जो आप लोगों को मिलने वाली है वो फैंटास्टिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों अगला लैपटॉप जो यहाँ पे निकल कर आता है Fujitsu की तरफ से UHX, याद रखिए दोस्तों इसमें 2-in-1 वाला मॉडल भी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल क्लैमशेल वाला मॉडल। स्टार्टिंग प्राइस इसकी
जब लॉन्च हुआ था तब 80,000 रुपीज थी, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एज ऑफ नाउ ये वाला जो लैपटॉप है दोस्तों बिलो आप लोगों को 69,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा। तो जापानीज क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, टॉप नॉच प्रीमियम एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शाओमी की तरफ से जो लेटेस्ट आप लोग जो है इसको यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। ये वाला लैपटॉप दोस्तों इसी साल इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसका i7 वाला वेरिएंट भी है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसके i5 वाले वेरिएंट की। तो यहाँ पे भी आप लोगों को 35 वॉट का इंटेल का i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 16 GB रैम है, क्वाड एचडी डिस्प्ले है। याद रखिए दोस्तों ये वाली जो डिस्प्ले है आईपीएस डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। ओलेड वाला मॉडल दोस्तों अमंग ऑल इसमें सिर्फ एसुस का जो मैंने आपको बताया वीवो बुक 15 ओलेड वही वाला मिलता है। तो टॉप नॉच आप लोगों को आईपीएस पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है। तो नॉर्मल आपके जो कुछ भी कॉलेज के काम है वो यहाँ पे आपके आराम से हो जाएंगे। फिर लैपटॉप निकल कर आता है दोस्तों लेनेवो की तरफ से आइडिया पैड स्लिम 5i प्रो वाला मॉडल। याद रखिए दोस्तों स्लिम 5i वाला भी मॉडल है, मैं 5i प्रो आप लोगों को यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो ये क्वाड एचडी वाला मॉडल आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 16 GB की रैम है, i5 का प्रोसेसर है, टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। 5i वाले मॉडल में उतने ज्यादा फीचर्स नहीं है, लेकिन जो प्रो वाला मॉडल है दैट इज रियली ए प्रो। लास्ट वाला मॉडल जो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पे रिकमेंड करूंगा वो निकल कर आता है एसुस की तरफ से स्विफ्ट 5। तो ये वाला मॉडल आप लोगों को अमंग ऑल सबसे जो है स्लिम देखने को मिल जाएगा। वेट भी यहाँ पे दोस्तों लगभग इसका 1.05 kg निकल कर आता है। 8 GB रैम यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती है। 8 GB रैम वाले अमंग ऑल दोस्तों इसमें सिर्फ दो ही लैपटॉप यहाँ पर निकल कर आते हैं, एक तो ये एसर का और जो मैंने फुजीत्सू का बताया सिर्फ उसमें ही 8 GB रैम है, बाकी सब में आप लोगों को जो है यहाँ पे 16 GB रैम देखने को मिलने वाली है।